तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सभी वकीलों के लिए अनिवार्य परीक्षा ए अर्थात ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को संपन्न हुए ए आई बी सिक्सटीन के क्वेश्चन पेपर का सलूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेकर के आए हैं आज हम ए आई बी सिक्सटीन क्वेश्चन पेपर के सेट सी को सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ए आई बी के क्वेश्चन पेपर चार सेट में होते हैं सेट ए बी सी और सेट डी परंतु सभी सेट्स के क्वेश्चन सेम होते हैं ऑनली सभी सेट्स के क्वेश्चन का जो सीक्वेंस होता है वो चेंज होता है तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर उन सभी लैग्रेजुएट्स के लिए फायदेमंद होगा जो भविष्य में ए एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ए आई बी सिक्सटीन के क्वेश्चन पेपर का जो है सोलूशन दिया गया है तो दोस्तों देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन को हिंदी में रीड करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वह क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करें सभी क्वेश्चन के जो राइट आंसर हैं उनको हमने रेड सर्किल से ब्लॉक कर दिया है जिससे कि बाई चांस कभी ऐसा होता है कि हमारी वॉइस क्लियर नहीं आती है या किसी को लगता है कि हम अपने आप पढ़ करके उसका आंसर देख सकते हैं तो वो यहां पर इसका यूज कर सकते हैं तो दोस्तों देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की फिर डेस्ट दिया गया है जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद एक साल या इससे अधिक समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है जिसे हमने रेड सर्किल किया हुआ है जिसमें लिखा किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए ये राइट आंसर होगा मीन्स जो पहला क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है तो किस प्रकार का यह अपराध है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है संगे और गैर जमानती अपराध ये राइट आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है एक मध्यस्थता कार्यवाही है चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है अर्ध न्यायिक कार्यवाही ये राइट आंसर होगा तो क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्ध न्यायिक कार्यवाही नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर इसमें कह रहा है तदर्थ मध्यस्थता क्या है तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं तो देखें पहला कह रहा है इसमें यह एक कार्यवाही है जो केवल एक विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है इसका बी ऑप्शन कहता है कानूनों और नियमों सहित मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती है सी ऑप्शन कहता है मध्यस्थता की मुहर भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं डी ऑप्शन कहता है ए बी सी ये तीनों सही हैं तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें जो ए बी सी तीनों दिए गए हैं तीनों में सही बात बोली गई है तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें कहता है निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा मध्य लाभ को परिभाषित करती है तो दोस्तों इसमें चार दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है धारा टू ट्वेल्व ये राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसमें कहा गया ऑल ऑफ देम देस जो पहला ऑप्शन है तथ्यों के अनुमान या अनुमे अनुमान बी ऑप्शन कहता है सम्मोहक अनुमान या अनुमान या विधिक खंडन योग्य अनुमान सी ऑप्शन कहता है कानून की अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान ये तीनों ऑप्शन सही है आधार पे सिक्स का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर ए है सुनवाई का अधिकार ये राइट आंसर होगा सेवन का ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है नाइनटीन मई नाइनटीन ये राइट आंसर होगा मीनस एर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है रोजगार के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई उसके परिवार के सदस्य किसके तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कह रहा है आ, ए और बी मींस ए ऑप्शन होगा या फिर बी से होगा तो ये ऑप्शन कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के तहत दायर कर सकते हैं केस या फिर आपका कह रहा है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 इन दोनों के तहत दोनों में से किसी एक के तहत दायर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन कहता है आपका बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग के कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है तो इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यौन उत्पीड़न तो टेन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन ये कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा टू के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कि कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या बनाया गया हो तो किसके लिए बनाया गया हो तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर होगा कह रहा है छह यात्री चालक को छोड़कर मीस जिसमें छह यात्री हो चालक को छोड़ करके उसे यहां पर आप कैप शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इलेवन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहता है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना हुआ है कितने सदस्यों से बना हुआ है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा पांच सदस्यों से तो जो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग है वो पांच सदस्यों से मिलकर के बना हुआ है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें कह रहा है हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम नाइनटीन की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है धारा ट्वेंटी थ्री यानी सेक्शन ट्वेंटी थ्री ये राइट आंसर होगा तो थर्टीन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा इसमें कहा गया है रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तो दोस्तों यहाँ पर रूरल लिटिगेशन और इससे रिलेटेड ये केस था यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ये कह रहा है कि बेशल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है तो किससे संबंधित है तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका कह रहा है खतरनाक कचरे और उसके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण ये राइट आंसर होगा मीन्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें कह रहा है साइबर अपराध की प्रकृति है कैसी प्रकृति है तो इसमें चार ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा अस्पष्ट यानी जो साइबर अपराध का जो नेचर है प्रकृति है वो अस्पष्ट है उसका कुछ स्पष्ट नहीं होता 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें कह रहा है सिविल प्रक्रिया संहिता वन नाइन जीरो एट के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है मींस विदेशी न्यायालय का क्या अर्थ है यहाँ पर तो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है ऐसा कोई न्यायालय है तो उसे कहा जाएगा आपका विदेशी न्यायालय तो सेवनटीन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एटीन इसमें कह रहा है जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है क्या अर्थ है तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं पहला कह रहा है निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना बी ऑप्शन कहता है परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना सी ऑप्शन कह रहा है केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त तो सभी तो एटीन का जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तो सभी ये राइट आंसर होगा क्योंकि ए बी सी ये तीनों बातें सही हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें कहा गया है प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ए और बी ये राइट आंसर होगा तो ए में कहा गया है नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन ना करना और बी कहा गया है यह नियम बनाने वाले प्राधिकारों द्वारा सभा का पालन ना करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है तो ए और बी दोनों ऑप्शन के आधार पे यहां पे सही होंगे तो डी ऑप्शन कह रहा है ए और बी तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कहता है रिकार्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रिट से जुड़ा है तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कह रहा है सर्टी ओरियरी ये राइट आंसर है बी का ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं तो दोस्तों इसमें जो है चार ऑप्शन है चारों में एक कुछ ना कुछ मिलान दिया गया है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा इसमें बोला गया है सेक्शन नाइन यानी धारा नाइन न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार ये राइट आंसर होगा तो ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका अर्थ है कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें गलत मिलान किया गया इसके अलावा जो आपका सेक्शन फाइव है राजस्व न्यायालय बिल्कुल सही सही होता है, सेवें सेवें है है, है सही होता है 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 धारा आपकी प्रांतीय लघुवाद न्यायालय भी भी जो जो डी आपका पर सेक्शन एट होता है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय लेकिन जो सेक्शन नाइन है न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार ऐसा नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कहता है विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है तो देखेंगे दोस्तों इसमें भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं देखे स्क्रीन पर सबसे ऊपर है राइट हैंड साइड में चार ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर जो बी कह रहा है बारह माह ये राइट आंसर होगा मीन्स ट्वेंटी टू का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बारह माह नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इसमें कह रहा है कि एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है कितनी दे सकता है तो चार ऑप्शंस दिए गए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कह रहा है साल से अधिक नहीं मींस मैक्सिमम सात साल की सजा वो दे सकता है तो 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो जिसका अपराध दंड तय हो उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है तो चार ऑप्शन है इसमें IPC की धारा 216 ये राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है सूत्र वाक्य एकटम नोट फेसिट रियुमिमी मेंस सिट रिया का अर्थ है तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता ये राइट आंसर होगा मींस 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स इसमें कहा गया है भारतीय अनुबंध अधिनियम एटीन सेवेंटी टू की धारा सेवेंटी थ्री द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है हेडली बनाम बैंक सेंडल ये राइट right आंसर है ट्वेंटी का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन कहता है सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है तो चार ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है छः महीने के भीतर ये राइट आंसर होगा तो ट्वेंटी सेवन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट कहता है एल ए आर आर अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति

तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एक वर्ष ये राइट आंसर होगा ट्वेंटी नंबर सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है सीआरपीसी की धारा वन हंड्रेड ट्वेंटी पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली पांच सौ रुपए की अधिकतम सीमा को कब हटा दिया गया था तो दोस्तों टू थाउजेंड वन में हटा दिया गया था तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन कहता है डब्ल्यू आई पी ओ शब्द का अर्थ है क्या अर्थ है तो इसमें चार ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर जो बी है है वो कहता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मींस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन तो डब्ल्यू आई पी ओ का यह अर्थ है तो थर्टी वन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कहता है आपका स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है किस पर लागू होता है तो चार ऑप्शन दिए गए इसमें ऑप्शन नंबर जो ए कहता है सभी निर्धारित पर जितने भी निर्धारिती हैं उन सभी पर यहां पर लागू होगा तो थर्टी टू का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इसमें कह रहा है संविधात्मक दायित्व तो बनता है जहां पर कहाँ पर बनता है तो चार ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो कह रहा है वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है तो थर्टी थ्री का ऑप्शन नंबर बी राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर कहता है सीपीसी की धारा दस के प्रावधान है क्या प्रावधान है इसका तो इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है निर्देशिका ये राइट right आंसर होगा थर्टी का ऑप्शन नंबर ए निर्देशिका नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी इसमें कहा गया है कंस्ट्रक्टिव रिस जुटिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है धारा ग्यारह की स्पष्टीकरण फोर ये राइट आंसर होगा मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का ऑप्शन नंबर बी राइट right आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स कहता है दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया किसमें पलट दिया गया तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन ये मामला था यहाँ पर तो थर्टी सिक्स का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन कहता है मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है वो राइट आंसर होगा थर्टी सेवन का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी एट कह रहा है मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा तो इसमें चार ऑप्शन है ए कहता है जीवन का परिवर्तन बी कहता है न्याय की चोरी और सी कहता है डर और डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नाइनटीन के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस दफा में उपलब्ध है तो थर्टी नाइन का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दफा एक ई e, ये राइट आंसर होगा थर्टी नाइन का ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी कहता है साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत प्रवेश को परिभाषित किया गया है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए सेवेंटीन ये राइट आंसर होगा मीन्स साक्ष्य अधिनियम की धारा जो सेवनटीन है उसमें प्रवेश को परिभाषित किया गया है नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन क्या कहता है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए तो चार ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी ये राइट आंसर होगा फोर्टी का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू कहता है यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंतर्गत उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन नंबर बी है चौदह दिन ये राइट आंसर होगा मीन्स फोर्टी का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री ये कह रहा है अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम नाइनटीन सिक्सटी वन की किस धारा के तहत दिया गया है तो चार ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है थर्टी फाइव मीन्स अधिवक्ता अधिनियम नाइनटीन सिक्सटी वन की धारा थर्टी फाइव में ये बात कही गई है कि अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए कौन कौन सी सजा दी जाएगी तो फोर्टी थ्री का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इसमें कह रहा है पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आई पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है तो फोर्टी फोर का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा थ्री फोर ए फोर्टी फोर का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45 तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है इसमें कह रहा है ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है बी रिश्वत स्वीकार करता है तो क्या होगा यहाँ पर तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आईपीसी सॉरी ए ने आईपीसी की धारा 161 में परिभाषित अपराध का बढ़ावा दिया है तो दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स कहता है सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है तो चार ऑप्शन है कह रहा है ए में जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है बी कह रहा है जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता है सी कह रहा है पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी तो फोर्टी राइटर right कहता है एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित है एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भा, दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन या कदाचार को भी नदर, नजर नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है यह कहा गया था किसमें कहा गया था तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ओ पी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011, थाउजेंड एलेवन सिक्स एस सी सी एट्टी सिक्स तो इस केस में कहा गया था ये बात कही गई थी तो 247 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान किए गए थे तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन है ए में कहा गया कंपनी का समावेश और बी ऑप्शन कह रहा है दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन और सी में कहा गया पंजीकरण का प्रभाव और डी में कहा गया है ज्ञापन और लेखों का प्रभाव तो फोर्टी एट का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन कहता है पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा कितने दिनों के अंदर तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहा है तीस दिनों के अंदर तो फोर्टी नाइन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये कह रहा है साइबर कानून संबंधित है किससे संबंधित है तो चार ऑप्शन है ए कहता है इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां बी कहता है आईपीआर और सी कहता है ई e कॉमर्स और डी है उपरोक्त तो सभी तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तो सभी राइट आंसर होगा क्योंकि जो ए बी सी ये तीनों ही आपके साइबर कानून से संबंधित हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इसमें कह रहा है रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना में चोट लगने पर मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 ये राइट आंसर होगा मीन्स 51 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 52 इसमें कह रहा है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में कितने रुपए है तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री कहता है एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके Osionfish. तो दोस्तों क्या होगा इसके लिए तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ट्रेडमार्क ये राइट आंसर होगा मीन्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री का ऑप्शन नंबर बी ट्रेडमार्क राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर कहता है मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है तो दोस्तों फिफ्टी फोर का ये जो ऑप्शन नंबर बी है धारा इक्कीस ये राइट आंसर होगा फिफ्टी फोर का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव इसमें कह रहा है आपराधिक प्रक्रिया संहिता थ्री के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी कहता है महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी तो फिफ्टी फाइव का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स में कहा गया है आपराधिक प्रक्रिया संहिता नाइनटीन सेवेंटी थ्री के प्रावधान के तहत क्या होता है इसमें तो चार ऑप्शन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है सम्मन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं तो फिफ्टी सिक्स का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इसमें कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या फिर आपका सिविल पद पर है अवकाश के दौरान उस पद को धारण करता है किसको धारण करता है तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी सेवन का नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट कहता है हिंदू विवाह अधिनियम नाइनटीन फिफ्टी फाइव के प्रायोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कौन सा कथन अमान्य है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए इसमें पहले तो एक दो तीन ये कथन दिए गए हैं पहले में कह रहा है धर्म से मुस्लिम यह माना जाता है कि जो व्यक्ति धर्म से मुस्लिम संथाल ईसाई यहूदी या पारसी नहीं होता है वह व्यक्ति हिंदू होता है सेकेंड कह रहा है लिंगायत उप संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति को हिंदू माना जाता है थर्ड ऑप्शन में इसका कह रहा है जो थर्ड कहा गया स्टेटमेंट एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है तो इसके आधार पे जो है यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए किस पहले में कह रहा है फर्स्ट आन और बी में कह रहा है आपका कि फर्स्ट और सेकेंड सी में कह रहा है थर्ड आन और डी कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है केवल थर्ड थर्ड राइट आंसर होगा एट का ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर कहता है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा डैश डैश के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है तो दोस्तों फिफ्टी नाइन में चार ऑप्शन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एट्टी नाइन ये राइट right आंसर होगा फिफ्टी नाइन का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्या कहता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट सितंबर 1872 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो सितंबर 1872 को लागू हुआ था तो सिक्सटी का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन क्या कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार जो पहला स्टेटमेंट है वो कहा गया है एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों के लिए उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कहा गया है कि संघ के लिए लोक सेवा आयोग यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है तो इन दोनों स्टेटमेंटों के आधार पर यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं ए कहता है ओनली फर्स्ट बी कहता है ओनली सेकेंड और सी कहता है फर्स्ट एंड सेकेंड और डी कहता है इनमें से कोई भी नहीं तो सिक्सटी वन का जो ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एंड ये राइट right आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू कहता है कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उसकी उपस्थिति में अपराध करता है या एक घोषित अपराधी है तीन तो दो केसेस में एक व्यक्ति निजी रूप से किसी को गिरफ्तार कर सकता है तो 62 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 63 कहता है गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है कह रहा है निष्पादित या रद्द होने तक मींस जब तक गिरफ्तारी के वारंट को रद्द नहीं किया जाता है तब तक वह लागू रहता मींस उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती सिक्सटी थ्री का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर कहता है आयकर अधिनियम की धारा थर्टी टू के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य ह्रास की दर होगी क्या होगी तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ट्वेंटी परसेंट यह राइट आंसर होगा मीन्स अतिरिक्त मूल्य ह्रास की जो दर है वो आयकर अधिनियम की धारा थर्टी टू के अंतर्गत ट्वेंटी परसेंट होगी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव तो इसमें कहा गया है वार्षिक मूल्य के आयकर अधिनियम की धारा ट्वेंटी फोर के तहत कटौती की राशि है तो चार ऑप्शन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कह रहा है वार्षिक मूल्य का थ्री बाई टेन ये राइट आंसर होगा सिक्सटी फाइव का ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स कह रहा है तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है तो चार ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति परक ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इसमें कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद इलेवन के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति को दी गई है किसको दी गई है तो दोस्तों दी गई है संसद को हमारे तो सिक्सटी सेवन का जो ऑप्शन नंबर डी है पार्लियामेंट या संसद ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट इसमें कहा गया है सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है तो ऑप्शन नंबर जो सी है पूर्णिमा सभी मिल्स बनाम केरल राज्य तो इस केस में बात हुई है तो सिक्सटी एट का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन कहता है अनुबंध की निराशा भारत अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की जाती है तो ऑप्शन ए कहता है धारा सेवेंटी थ्री बी कहता है धारा सत्तर सी कहता है धारा टू डी और डी कह रहा है धारा फिफ्टी सिक्स तो दोस्तों यहां पर सिक्सटी नाइन का जो ऑप्शन नंबर डी है धारा फिफ्टी सिक्स ये राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी कहता है कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किससे संबंधित है तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से राइट आंसर होगा तो इस प्रकार से सेवेंटी का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेवेंटी प्रवेश को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है तो चार ऑप्शन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों ये राइट आंसर होगा तो सेवेंटी वन का ए कह रहा है न्यायिक और बी कह रहा है अतिरिक्त न्यायिक और जो डी कह रहा है वो कह रहा है ए और बी दोनों तो जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इसमें कहा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा सिक्सटी सिक्स निर्धारित करता है क्या निर्धारित करता है ए कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा सिक्सटी फाइव ए के अंतर्गत द्वितीय साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए बी कह रहा है दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना लिखित रूप में होनी चाहिए सी कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश इलेवन नियम फिफ्टीन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के प्रकार को निर्धारित करता है डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी तो सेवेंटी टू का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री कहता है मैक्सिम रेस इस्पा का अर्थ है क्या अर्थ है वस्तु स्वयं बोलती सेवेंटी थ्री का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वस्तु स्वयं बोलती है तो सेवेंटी थ्री का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर कहता है आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो चार ऑप्शन है ए कह रहा है जस्टिस दलवीर भंडारी बी है आपका जस्टिस अल्तमस कबीर और सी है जस्टिस और डी है आपका जस्टिस एस आनंद तो 74 का जो ऑप्शन नंबर सी है जय वर्मा ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव में कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंगेय अपराध है ए ऑप्शन कह रहा है सार्वजनिक गलतियां बी कह रहा है निजी गलतियां सी कह रहा है सार्वजनिक और निजी दोनों गलतियां और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है निजी गलतियां ये राइट आंसर होगा सेवेंटी फाइव का ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स ये कह रहा है मात्र के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद फिफ्टीन वन का उल्लंघन होगा तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन है पैरा कह रहा है लिंग बी कह रहा है मेहनताना सी कह रहा है जन्म स्थान और डी कह रहा है धर्म तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट right आंसर होगा सेवेंटी सिक्स का नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन इसमें कह रहा है बाईस जनवरी नाइनटीन फोर्टी सेवन को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू ये राइट right आंसर होगा सेवनटी सेवन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट इसमें कहा गया संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द किया गया था तो चार ऑप्शन है पहला कहता है इंदिरा गांधी बी है चरण सिंह सी है राजीव गांधी और डी है मुरारजी देसाई तो सेवेंटी एट का ऑप्शन नंबर जो डी है मुरारजी देसाई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन कहता है जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट से प्राप्त किया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ट्वेंटी फाइव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य है तो दोस्तों यहाँ चार जो है पॉइंट दिए गए पहला पॉइंट कहता है स्वीकारोक्ति है वहाँ एक डकैती थी और सेकेंड ऑप्शन कहता है यह स्वीकारोक्ति है कि आरोपी ने इसमें भाग लिया थर्ड कहता है कि यह स्वीकारोक्ति है कि उसे संपत्ति का हिस्सा मिला और चार चौथा ऑप्शन कहता है कि इस बयान के बारे में संपत्ति सॉरी बयान की संपत्ति कहाँ है तो दोस्तों इन चारों पॉइंट्स के आधार पर यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शंस में आपको बताना होगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें कह रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड मीन्स जो पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये बिल्कुल सही है तो इसके आधार पर सेवेंटी का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट्टी कहता है आपका कि कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है तो चार ऑप्शन दिए गए ए कह रहा है डोनोगु ए बनाम स्टीवेंस बी कहता है होम्स बनाम एस्फोर्ड सी ऑप्शन कह रहा है रायल लैंडस बनाम फ्लेचर और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं तो एट्टी का जो ऑप्शन नंबर सी है रायलैंड बनाम फ्लेचर ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी वन इसमें कह रहा है अंतिम अवसर का सिद्धांत किस से में निर्धारित किया गया था तो चार ऑप्शन है पहला करा मान, बी कहता है ए सी राज्य बनाम रंगना सी कह रहा है नगेंट बनाम स्मिथ और डी कह रहा है कालावती बनाम हिमाचल प्रदेश तो दोस्तों एट्टी का जो ऑप्शन नंबर ए है डेविस बनाम मान ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 इसमें कहा गया निम्नलिखित में से यह किस वाद में अधि अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 धारा की 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविदा की जगह ले लेंगे तथ्य यह है कि डिक्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो देखेंगे इसके चारों ऑप्शंस कौन कौन से हैं तो ये कह रहा है सुरेंद्र बल बनाम मुपिया बी ऑप्शन कहता है मुकेश तेली बनाम भारती तेली सी ऑप्शन है सेसी अमल अम्ल बनाम थाउ अमल और डी ऑप्शन है लक्ष्मी बनाम कृष्णा तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है एट्टी टू का सेशमी अम्ल बनाम थाउ अमल ये राइट right आंसर होगा एट्टी टू का ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री क्वेश्चन नंबर एट्टी थ्री कह रहा है आदेश फोर नियम एक के तहत न्यायालय में किस तरह का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो चार ऑप्शन है ए कहता है सिंगल कॉपी बी कहता है डुप्लीकेट सी है ट्रिप्लीकेट और डी कह रहा है कोई निश्चित नियम नहीं है तो एट्टी थ्री का जो ऑप्शन नंबर बी है डुप्लीकेट राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट्टी फोर कहता है आदेश ट्वेंटी वन नियम ट्वेंटी टू के तहत नोटिस देने में चूक चार ऑप्शन है ए कह रहा है निष्पादन को रद्द कर देती है बी कहता है निष्पादन को अनियमित कर देती है सी है निष्पादन को शून्य करने योग्य कर देती है और डी कह रहा है निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगी तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है निष्पादन को रद्द कर देती है राइट right आंसर होगा एट्टी फोर का ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव में कहा गया है जहां किसी संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है सीपीसी की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसे डिग्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिग्री की अवधि के लिए असंतुष्ट ना हो तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है डिग्री की तारीख से तीन महीने तक ये राइट आंसर होगा एट्टी का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 फिफ्टी फाइव लागू हुआ था तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 18 मई 1955 ये राइट आंसर होगा 86 का ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 इसमें कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति आएगी तो दोस्तों यहां पर पहले पांच पॉइंट दिए गए एक कह रहा है तरवाड़ दूसरा कह रहा है तवाजी और तीसरा है कुटुंबा और चौथा है कवारू और पांचवा है इलोम तो दोस्तों इन पॉइंटों के आधार पर चार ऑप्शन दिए गए उनमें बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो पहला और दूसरा पॉइंट दिया गया सही है इसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा एट्टी का ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी एट इसमें कह रहा है राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी होगी तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ट्वेंटी राज्य बार काउंसिल है उसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम होगी ट्वेंटी फाइव तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन इसमें कह रहा है विशिष्ट राहत अधिनियम नाइनटीन सिक्सटी थ्री में शामिल है क्या शामिल है तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आठ अध्याय और चवालीस धारा तो दोस्तों 89 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 कहता है एक जनहित याचिका दायर करें जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 90 का वो कह रहा है जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए पी दायर करना तो क्वेश्चन नंबर नाइनटी का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट right आंसर होगा नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन क्या कहता है तुक्ष जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है क्या परिणाम होता है ए ऑप्शन कहता है केसों का बोझ बढ़ना बी कहता है संसाधनों का अपव्यय सी ऑप्शन है, है अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी तो 91 का जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तो सभी ये राइट right आंसर होगा नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 इसमें कह रहा है जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है क्या जेड किसी अपराध का दोषी है क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता है होता यदि जेड स्वस्थ चित्त का होता तो दोस्तों यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जेड ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और यदि जेड पागल है तो जेड को निजी बचाव का समान अधिकार है तो 92 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 इसमें कह रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है तो चार ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद ये राइट आंसर होगा का ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद थ्री हंड्रेड ए जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है तो चार ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन नंबर ए है चौवालीसवां संशोधन अधिनियम मीन फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट तो दोस्तों का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा Next है आपका क्वेश्चन नंबर तो इसमें कह रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अनुप्रयोग अधिनियम नाइनटीन थर्टी सेवन की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम नाइनटीन थर्टी नाइन की धारा सिक्स द्वारा भंग या संशोधित किया गया है तो दोस्तों चार ऑप्शन है इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है धारा फाइव ये राइट आंसर होगा नाइन्टी फाइव का ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा फिफ्टी थ्री के अनुसार चोट शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है चार ऑप्शन है ए कहता है शरीर बी है मन और सी कहता है प्रतीक्षा और डी कह रहा है उपरोक्त सभी तो 96 का जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 तो 97 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एक मामले के में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना तो 97 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 98 एट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए तो दोस्तों 98 एट का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर कहता है सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में एल ए आर आर अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों को की सहमति अनिवार्य है तो दोस्तों चार ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सेवेंटी परसेंट ये राइट right आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर बी तो दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 इसमें कह रहा है एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है फोर्टी परसेंट ये राइट right आंसर होगा तो दोस्तों अपना कीमती समय हमारे चैनल पर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद